हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे कि आरटीआई से अपनी कॉपी कैसे मंगवानी है। सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया आरटीआई, आप देख सकते हैं। फिर मैं जाऊंगा आरटीआई ऑनलाइन पे, ये है आरटीआई ऑनलाइन gov.in। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये टैब चेंज हो चुका है, पहले यहाँ पर कुछ और होता था, यहाँ पर आपको आईडी बनाना पड़ता था अपना बेसिकली। अब आपको ये जो बॉक्स है इसमें यहाँ क्लिक हेयर पे जाना है, क्लिक हेयर एंड सबमिट रिक्वेस्ट पे। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो ये आपसे पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा और आपको इस पर टिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक बार पढ़ सकते हैं और सबमिट कर देना। इसके बाद ये पेज आपके पास खुलेगा जिसमें आपको, ये आपका लास्ट पेज है जिसमें आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी डिटेल, तो सबसे ऊपर यहाँ पर सर्च पब्लिक अथॉरिटी में आप देखिए ICI लिखिए। तो मेरा यहाँ पर ICI, जैसे ही मैंने क्लिक किया मैं कहा यस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट कॉस्ट अकाउंटेंट, एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने सर्च किया, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पर ये ऑटो फिल्ड आ गया। आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें ऑटो फिल्ड हो चुकी हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये आता है, वरना आपको ये सर्च करना पड़ता। तो आप यहाँ ऊपर से कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कन्फर्मेशन आईडी नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेटस, एजुकेशनल स्किल्स, एजुकेशनल स्किल्स में आप लिटरेट, अर्बन, रूरल, जो भी है आपका। आप यहाँ पर अबव ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बता सकते हैं अपने आप को, या फिर आप 12th के पास के बाद फाउंडेशन का निकाल रहे हैं, IPCC का निकाल रहे हैं, तो आप ये भर सकते हैं। इसके बाद अपना फ़ोन नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपको सिटीजनशिप भरना है कि इंडियन है, ठीक है। इसके बाद है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको येस करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में जाते ही आपको अपना BPL कार्ड भरना पड़ेगा, तो आपको 10 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर नो करते हो तो ठीक है, आपको फिर 10 रुपीज़ चार्ज होंगे नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट फ्रॉम RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जो है, ये टेक्स्ट मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें एक लेटर है, उस पर ये वहाँ यहाँ पर पेस्ट कर देना उस लेटर को और अपनी चीज़ें भर देना, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका NRO नंबर, आपको क्या क्या कॉपीज़ चाहिए। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होगा, तो जिस सब्जेक्ट की आपको कॉपीज़ चाहिए उसका पेपर नंबर प्लस आपको उसका सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। वो आपको उस पूरे डिटेल में दे रखा होगा जो मैंने आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके बाद इधर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है, ओनली PDF अप टू 1 MB, तो इसमें चूज फाइल करके आपको आपको मतलब कोई भी एक जैसे आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज होता है वो लगा देना। सारे पेजेस तो 1 MB से ज़्यादा क्रॉस हो जाएंगे, तो फर्स्ट पेज की कॉपी लगा देना, तो वो इसमें चाहिए होता है, जो आपका हॉल नंबर होता है, रोल नंबर आपका, तो एडमिट कार्ड की फर्स्ट पेज। इसके बाद एंटर, मतलब आपको PDF फॉर्मेट में ही डालना है इसको, वो आप एडिट कर सकते हो ऑनलाइन। और इसके बाद है एंटर सिक्योरिटी कोड, ये सिक्योरिटी कोड करोगे, यहाँ पर मेक पेमेंट करोगे, आप अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ध्यान से देना। फिर मेक पेमेंट पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ आपको 10 रुपीज़ आप किसी भी बैंक से पे कर सकते हो, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका उधर SBI लिखा होगा, आप डरना मत। आप फिर अंदर जाके जैसे ही कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डालोगे आपका वो प्रोसेस हो जाएगा और फिर आप पेमेंट कर पाओगे 10 रुपीज़ की। उसके बाद आपको थोड़ी देर में एक मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, और फिर आप कम से कम 1 महीना वेट करिए, आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आ जाएगी 10 रुपीज़ में, सारी की सारी, चाहे आपने 8 सब्जेक्ट की भरी है, 4 की भरी है, या फिर 1 की या 2 की, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको कन्फर्मेशन मेल आती रहेगी। तो अपने स्पैम मेल भी चेक करते रहना, क्योंकि आती रहती है मेल, ऐसा नहीं होता कि मेल आपको आएगी ही नहीं, कन्फर्मेशन मेल भी आएगी, उसके बाद एक मेल आएगी जिसमें आएगा कि आप, हमने आपका केस ICI के पास ट्रांसफ़र कर दिया है, और उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही ये पूरा एक प्रोसेस था। जय हिंद।